अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं सहरी आसिफ। सबसे पहले दुनिया हेडलाइंस। कराची के इलाके ब्रंस रोड पर पुलिस मुकाबला, एक अहलकार जान बहा के एक डाकू भी मारा गया तो हकीर जख्मी हो गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो से 50 करोड़ निकलवाने का इल्जाम, वज़ीर दाखला रहमान मलिक का शहबाज शरीफ को 10 अरब और मुशाहिदुल्ला को 2 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवाने का फैसला। मेमो तहकीकती कमीशन का इजलास आज होगा, दोनों ब्लैकबेरी गुम हो गए, पिन कोड भी याद नहीं। हुसैन अगानी के तहरीरी जवाब की नकल दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। लाहौर में अगवा बराए तावान की वारदातों में बैंक एहलकारों के मुलव्वस होने का इंकशाफ, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने एफआईए से मदद मांग ली। स्कूल टीचर पर शहादत करने वाले असलम मिधियाना को आज सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। 16 अफगान शहरियों को कत्ल करने वाले अमरीकी फौजी को अफगानिस्तान से निकाल दिया गया। शाम के सदर बशार अल असद हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों से निपटने के लिए ईरान से मशवरे लेते रहे, बरतानवी अखबार का इंकशाफ। और एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबल होंगे, कौमी टीम मैच जीत कर फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पूरा जोर। हेडलाइंस आपने जानी, दुनिया न्यूज से फिलहाल इतना ही। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए दुनिया न्यूज।